हाय, दिस इज हेलीन सानिया एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक्टर अमित साध ने सावधानी का ध्यान रखते हुए अपना भी कोरोना टेस्ट करवाया था। दरअसल अभिषेक और अमित साध एक वेब सीरीज में साथ दिखाई देंगे, जिसके लिए डबिंग इन दोनों ने एक ही स्टूडियो में की थी। हालांकि अमित ने कभी भी अभिषेक के साथ डबिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना टेस्ट करा लिया। अब अमित साध ने सोशल मीडिया पर फैंस को बताया है कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आपकी प्रार्थनाओं और चिंताओं के लिए धन्यवाद। ये केवल एक मौका है जिस पर मैं कहूँगा कि मैं नेगेटिव हूँ। जो भी लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थनाएं। एकजुटता एकमात्र ताकत है। बता दें कि शनिवार को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इसके बाद अमिताभ के बंगले जलसा के अलावा उस डबिंग स्टूडियो को भी सैनिटाइज किया गया था, जहां अभिषेक और अमित साध ने अपनी वेब सीरीज के लिए डबिंग की थी। इसके साथ ही अमिताभ और उनके परिवार के संपर्क में आए लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। परेशानी की बात यह है कि अमिताभ और अभिषेक के बाद ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि ऐश्वर्या और आराध्या को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया, उसकी बजाय उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा बॉलीवुड में एक्टर अनुपम खेर की माँ सहित परिवार के 4 लोग, टीवी एक्टर पार्थ समथान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें गूगल बॉलीवुड के साथ।